लगता है कि हमारी फैमिली पे ही हनुमान जी का वरदान है। डैडी ने बहुत बार हनुमान जी का काम किया, उनने दो तीन बड़े बड़े पिक्चरों में, टीवी में, हर जगह काम किया है। उसके बाद मुझे भी ऐसे ही हनुमान जी का काम मिलता रहता है। और मेरा सौभाग्य है कि धर्मेश जी के साथ मैंने विष्णु पुराण में हनुमान जी का पार्ट निभाया, तो उनने इस फिल्म की डबिंग जो है हिंदी में, ये बहुत बड़ी फिल्म बनाई है, 3 साल से ये लोग लगे हैं, इतनी मेहनत से ये फिल्म बनाई है लवाकुश। धर्मेश जी का फ़ोन आया कि बिंदु आपको आना है और डबिंग करनी है। और धर्मेश जी का जब ऑर्डर आता है तो मुझे नहीं लगता फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी उसे मना करता है। और जब मैंने ये एनिमेशन देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी खतरनाक एनिमेशन की है इन्हें, इतनी बढ़िया कि इंडिया में हुई ऐसा लगता ही नहीं। ओम शांति। उग्र रूप हनुमान। ओम शांति। रुद्र तेज हनुमान। जय श्री राम। ये खूबसूरती दूसरा ये था कि इन्होंने जो हमने चेक किया एनिमेशन किया है, वो एनिमेशन वर्ल्ड क्लास का है, वर्ल्ड के हर एनिमेशन को बीट करता है। मुझे लगता है बहुत फ़र्क है हम दोनों के अंदर, डैड और मेरे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका 10% भी बन जाऊँ एंड तक, तो बहुत बड़ी बात होगी। रामायण करने के बाद जब डैड सोते थे और आज तक कई बार रात को वो ऑटोमेटिकली नींद में हनुमान जी के डायलॉग बोलते हैं, तो मेरी मम उनको रोकना पड़ता है, उन्हें रोक कर बोलना पड़ता है, भाई ये क्या कर रहे हो, ये रामायण ख़त्म हो गई, 25 साल हो गए, पता नहीं क्या, लेकिन आज तक उनके मुंह से वो निकलता है। तो डैड बहुत रिलीजियस नहीं है, लेकिन हनुमान जी का उनके ऊपर डेफिनेटली कोई वरदान है हमारे फैमिली के ऊपर। पहली फिल्म है जिसमें 27 करेक्टर, तो 27 करीब होंगे जो मेन करेक्टर है, पर अनगिनत संख्या में 2000, 3000, 4000 जो छोटे मोटे और करेक्टर हैं। इतने सारे करेक्टरों का एनिमेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। 2000 तो कम से कम होगी पेंटिंग्स होंगी पीछे, जो लोकेशंस चेंजेस होते हैं उनका एनिमेशन करना, उनका कलर सिस्टम्स करके, और कम से कम स्केचेस जो होंगे इसमें 6 लाख करीब स्केचेस हैं। तो इसलिए इस खूबसूरत, मेरे ख्याल से कोई फॉरेन फिल्म भी ऐसी नहीं आई जिसमें इतना सारे करेक्टर, इतने सारे स्केचेस और कलर कॉम्बिनेशन किया गया। कल की बात है कि धर्मेश जी आए मेरे पास और एक और बार उन्होंने एक फिल्म में हनुमान जी करने का मुझे यानी आदेश दे दिया है। तो डैड के पास गया, मैं कहा डैड मैं सोचा था नहीं करूँगा, और लेकिन फिर से कर ले बेटा कर ले। तो आई थिंक ये लगता है मरते दम तक ऐसे ही चलता रहेगा, करते जाएंगे हनुमान जी की सेवा। दैट्स इट।